सवाल कर रहा है। इधर आ। क्या बोला दी? तू कह रहा था ना तेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। तभी ये क्या? उन्हें भी चार काम के बंदे हुए हैं और अब ये पांचवा। अब तो स्कूल में भी मैं थ्रेडमैन के नाम से फेमस हो गया हूँ। फेमस हो गया? पता वो क्या चीज है। ये कुछ
ये और मेरी तरह अलग निरंजन। पापा पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। रोहन उस मुसीबत को बाहर ना आने देना। पापा जी की जय हो, पापा जी की जय हो। अलग निरंजन तेरी गड्डी में ना बिकते। पकड़ी गड्डी पर ये तो सही हुआ कि मैं समय पर आ गया, वरना अनर्थ हो जाता। कौन अनर्थ? बाबा जी कृपा कीजिए। समस्या होगी दूर जब खाएगी बाबा के खजूर। शादस लाओ मेरी कृपा का बेटा, कर तू इनके सब दुख दर्द दूर। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बेटी तुमने मुझे फोन पर कहा था कि तुम्हारी पुत्री के घर 3 लड़कियां हो चुकी हैं। ये लो बाबा की बूटी, इसे अपनी बेटी को खिला देना और उससे पुत्र प्राप्ति होगी। जय हो पर्दे वाले बाबा की। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बेटी तुम्हारे घर पर बुरा साया है और इस चीज को मैं अभी सिद्ध कर दूंगा। अब देखना इस नींबू में से कैसे निकलेगा। जिंदगी सवार दूं, इतना ही बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। आत्मा भूखी है, प्यासी है, खून मांग रही है। ये है पानी 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 और दिन भी सानी 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 सानी। चुड़ैल इंदा खान आजा इधर आके मत। बेटी ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, पर तुम चिंता ना करो, इस चुड़ैल को अभी मैं अपने वश में करूंगा। आजा संभल। बाबा जी वो रही चुड़ैल। आजा आ आजा आ शाबाश दादी, अब तो इसे भी पता है। पर हाँ
आपको कैसे पता होगा? आप पर अंधविश्वासों से फुर्सत मिले तब ना। चलो मान ली तेरी बात, पर इस बूटी का क्या जो बाबा जी ने तेरी बुआ के लिए दी है ताकि उसका बेटा हो जाए? बूटी बेटा? दादी ये कैसी लॉजिकल बातें कर रही हो? आप तो कह रही थी आप 10वीं पास हो, क्या आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा? क्लास का एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर है पेज नंबर 5। याद आ गया, याद आ गया। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें शीशे की तरह साफ साफ लिखा है कि ह्यूमन के पास दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अरे छोरी अपनी माँ बहन का तो लिहाज कर ले। दादी सुनना तो आपको पड़ेगा ही, मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अरे मुझे ना समझ में आता ये एक्स वाई जेड। बोल भी कुछ और निकाल एनजीटी वाला, अभी सुन जाता हूँ। ये देखिए दादी, मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होती है एक्स वाई मिले तो जी हाँ दादी मैं आपका लड़का रोहन पैदा हुआ, और जब एक्स एक्स मिले आप मेरी बहन पिंकी माँ पैदा हुई। और आप ये क्या कह रहे हो ये बूटी बेटा? दादी लड़का हो या लड़की डिपेंड पिता पर करता है, क्योंकि उसके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। अपमान, खार अपमान। अब मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, और मेरी दक्षिणा इस QR कोड पर कर देना। क्षमा कर दीजिए बाबा जी, क्षमा कर दीजिए, ये ना समझ है बच्चा है ना, इसे क्या पता आपके चमत्कारों के बारे में। चमत्कार? कैसे चमत्कार? तुम्हारे घर में चुड़ैल का साया था, बाबा जी ने स्वयं नींबू काट के दिखाया था। रोहन नींबू में से फूल निकल आया था, और बाबा जी ने उसे बोतल में फंसाया था। इस नालायक चेले की वजह से वो डरावना साया बाहर निकल आया और चुड़ैल का साया फिर से हमारे दिखाई थी। है कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये तो हमारे बाबा जी का चमत्कार का कमाल है। जरा दिखाइए अपना नींबू, ले मुख बालक कर ले अपना शक दूर। बोलती ये क्या हो सकता है? अरे यार कुछ नहीं, ये एसिड बेस इंडिकेटर होगा, ये तो किसी भी केमिकल की दुकान से मिल जाता है। नींबू के साथ लाल, पानी के साथ हरा, और अगर अभी साबुन में मिला दूं तो नीला। चलो मान ली तेरी बात, पर उस पापी गुड़िया का क्या जिसे बाबा जी ने चमत्कारी पानी में डाला था और वो गायब हो गई थी? चमत्कारी पानी? अब ये कौन सा चमत्कारी पानी है, जरा दिखाइए मुझे। ले मुख बालक, तो अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगा। पिंकी जो परसों मेरे हेडसेट मंगवाया था उसका थर्माकोल का डब्बा लाना जरा। पर भैया वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था। तू जा जा डस्टबिन से ही ले आ, मैं भी तो देखूं ये सब जाने क्या गुल खिलाते हैं। दादी ये एक्सपेरिमेंट तो मैं आपके हाथ से कराऊंगा। ना ना मैं ना बनूंगी बाप की भागीदार, मैं ना छूंगी चमत्कारी पानी को। दादी आपको आपके पलटे वाली बाबी कसम, करना तो आपको पड़ेगा ही। ले तू ऐसे ना मानेगा, ये तो गायब हो गया। दादी ये ऐसी डोर है। कैसी डोर? अरे दादी आपकी भाषा में कहें तो नेल पेंट रिमूवर, ये अपने अंदर थर्माकोल को समा लेता है। और वो पापी गुड़िया भी जरूर थर्माकोल की ही बनी होगी। अच्छा तो वो जो उस बोतल में से धुआं निकला था वो भी किसी केमिकल का कमाल था? हाँ दादी बिल्कुल सही कहा आपने। एक दो तीन चार सुनगी बोल बोल बराबर। तुमने तो आज मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो इन ढोंगे बाबाओं के चक्कर में ही पड़ी रहती। आज तक हजारों रुपए ठग चुके हैं मुझसे ये ढोंगे बाबा। दादी एक और बात, दादाजी का निधन ये 3 नंबर की वजह से नहीं पीलिया की वजह से हुआ था। आपने ढोंगे बाबाओं के चक्कर पड़कर
की वजह से वो कमजोर होते गए और एक दिन सीढ़ी से गिरकर चल बसे। बेटा तू सही कह रहा है, काश मैं इतनी समझदार होती। पर एक बात है, चलो मैं सातवीं फेल हूँ। दादी अरे बस कर तू छोरे, पर बहू तूने तो बीएससी करी हुई है, तू कभी मुझे इन अंधविश्वासी कामों से क्यों ना रोकती थी? दादी माँ आपकी बहुत इज्जत करती है, इसलिए आपको गलत कामों में भी नहीं टोकती। और ये सिर्फ हमारे घर की नहीं, घर घर की कहानी है। इसी सोच की वजह से हमारा समाज पिछड़े समाज की छवि प्रस्तुत करता है। सही कह रहा है बेटा, मैं ही हमेशा बहू को अपने रोल पर दबा कर रखती थी। पर बहू अब तू भी एक बात गांठ बांध ले, अगर आगे से मुझसे कोई गलती हो जाए तो तू मुझे समझाने का पूरा हक रखती है। आखिर बहू भी तो बेटी समान होती है। और पिंकी तू बड़े होकर अपने भाई की तरह सही और गलत में फर्क करना सीख। आखिर बेटियों को तो दो दो घर संभालने होते हैं। अच्छा रोहन मैं चलता हूँ। अच्छा आंटी, अच्छा दादी। बोली ऐसे तो मैं तुझे भी ना जाने दूँ। दादी अब क्या हुआ? चाय तो पिला कर भेजूंगी। जाओ रसोई से हम सबके लिए चाय बना कर ला। और जिंदगी बेटी जा तू भी जा रसोई से नमकीन और बिस्कुट लेकर आ। चल गोल्डी बेटा कुछ बातें हो जाए। दादी आपको नहीं पता मेरे चुन्ने नीचे आई हुई है। और दादी एक और बात, आप कहोगे आपके वो पलटे वाले पापा बना रहे होंगे किसी और का बेवकूफ। आए आए तोड़ दिया रे बाबा जी, अब हमारा क्या होगा? अरे हरियाणा के लोग समझदार हो गए तो क्या, दुनिया में बेवकूफ कोई ना खत्म हो गए। चलो कहीं और चलकर बेवकूफ बनाते हैं। आए हाँ तोड़ दिया।